नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरा देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस वक्त मीत हुड्डा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहां से निकला कैसे जाए। क्योंकि मीत हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगा है वो चोरी का आरोप है, और चोरी का आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि मनमीत पहलवान की मॉम ही है। जी हाँ, क्योंकि मनमीत पहलवान की मॉम और फादर और मनमीत पहलवान ने वाकई में बहुत गंदी तरीका से एलिगेशन लगाया है सभी लोगों के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अब ये एलिगेशन बिल्कुल जायज़ नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली है कि तुम्हें अगर जितना करना है इतनी तलाशी ले लो, लेकिन मैंने किसी के 2 लाख रुपये चुराए नहीं हैं। क्योंकि मीत हुड्डा के पास में फ़िलहाल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, और डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर्टी के आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा उनको भी किसी को देने वाली है ही नहीं। मीत हुड्डा ने साफ साफ खुले शब्दों में बोल दिया था कि जो है मेरे पास में वो मैं तुम्हें दे नहीं सकती, और मैं तुम्हारा फालतू का चीज़ ले नहीं सकती। और वाकई दोस्तों, ये बात सही है मीत हुड्डा की। मीत हुड्डा ने आज तक किसी से भी किसी की चीज़ फालतू में नहीं ली है। पहले भी मीत हुड्डा ने इस चीज़ को बोला था कि मैं कभी भी किसी की प्रॉपर्टी या कोई भी धन दौलत के नशे में नहीं रहती हूँ, और ये एक रियलिटी बात है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में रंग बदलेगा, ट्विस्ट बदलेगा, नज़ारा बदलेंगे, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से आखिरकार मीत हुड्डा इस वक्त चैलेंज और देती हुई नज़र आने वाली है कि जिसको जितनी ताकत लगानी है मुझे इस गाँव से निकालने के लिए लगा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर सपना पूरा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मीत अलावत का सपना पूरा करने के लिए आई है, तो मीत अलावत का सपना पूरे करे बगैर नहीं जा सकती। और उसने बोल भी दिया है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली बिना सपना पूरे करे हुए। क्योंकि दोस्तों, मीत हुड्डा वाकई में एक बड़ी पावर है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। आप लोगों के लिए दिल से थैंक यू गाइस।